वेलकम टू द नीट स्टूडेंट्स 2019। जिन लोगों ने नीट का पेपर मई में देना है उनके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और जैसे मैंने आपको पहले कहा था मैं कैसे आपको यूट्यूब से मदद आपकी कर पाऊंगा वो आपको मैं पहले बताऊं। सबसे पहला आप समझिए, आपका नीट होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मई में। अभी तक आप लगभग फ्री हो चुके हैं मेन पेपर से। कुछ लोगों का दूसरा पेपर हो सकता है फिजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी ऐसे जिनके पेपर हैं, लेकिन मेन फिजिक्स बायो केमिस्ट्री ये आपके तीन हो चुके हैं। तो आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन अब नीट के ऊपर हो सकता है। हमारे पास अब से लेकर लगभग 35 डेज वी हैव गॉट। अगेन वी गो नीट में मेरा एम क्या है। मेरा एम ये है, अगर मेरे को नीट में आई रिक्वायर roughly 75% of the questions, मेरा एम क्या होना है देखिए, 330 मार्क्स मेरे बायो में जरूर आने चाहिए और 110 और 110 ये दोनों आपके पास फिजिक्स और केम में आने चाहिए। दिस विल गिव यू अ 550 मार्क्स और इसकी मदद से आपका मेंस मतलब मेन कोटा में आपका एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए आपसे अलग, लेकिन इतना, लेकिन दिस इज अगेन द मिनिमम टारगेट। सो आई वुड नॉट लाइक कि आप एम सिर्फ 550 तक करें, आपका एम ऊपर होना चाहिए। तो यू डू वन थिंग, आप इसमें प्लस 10 ये तीनों में और जोड़िए, आपके पास 580 का टारगेट स्कोर होना चाहिए। अब यहां पर एक आध बात और, जिन लोगों का स्कोर ऑलरेडी 600 से प्लस अपनी जगह पर हो रहा है, मेरा ये वीडियो उनके मेथड के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप उतने रैंक पर आ रहे हैं तो मैं जो बताने वाला हूं वो शायद आपके उतने काम का नहीं है। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्कोर 120 मार्क्स इन फिजिक्स। तो मैं फिजिक्स की बात आपसे करूंगा। फिजिक्स में देखिए मेरे पास आप देखिए 135 क्वेश्चन मार्क्स मेरे पास टोटल हैं। सॉरी, फिजिक्स में मेरे पास 180 मार्क्स टोटल हैं, 180 केमिस्ट्री में हैं और 360 मेरे पास बायो में हैं। हम बात करें इस फिजिक्स की जिसके अंदर अगर आप 110 प्लस 120 दैट मीन्स यू आर प्लानिंग फॉर 120 मार्क्स, दैट डज नॉट मीन यू शुड नॉट एम फॉर मोर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज मिनिमम एफर्ट से आप इतने लाइए, इसके बाद जितना आप आगे और बढ़ सकते हैं बढ़ते जाइए। अब हम इस तरह 120 मार्क्स को, आपके पास 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, लेट मी मेक द क्वेश्चन वाइज दिस इज 30 क्वेश्चन एंड यू हैव गॉट टू इन टोटल 45 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास 15 क्वेश्चंस का ऑलरेडी स्टार्ट करने से पहले मार्जिन है, 15 क्वेश्चन आपके पास, आप 15 क्वेश्चन। अब फिजिक्स पूरी ले लीजिए 11th की और 12th की, लगभग दोनों के अंदर 15-15 टॉपिक के आसपास है, 30-32 टॉपिक बनते हैं, तो आपके पास लगभग हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आना निश्चित है। आप कम से कम 4-5-6 टॉपिक आप ऐसे सोचते हैं जो आपको टफ हो, बेशक आप ना करें। देखिए एग्जाम के अंदर दो चीजें हैं, अगर आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इन फिजिक्स, नो डाउट, बट द टेक्निक टू गो थ्रू एन एग्जाम और आपको एग्जाम में 120 नंबर लाना, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप 120 मार्क्स को उस 3 घंटे में ही स्कोर कर सके, ये जरूरी है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर कहते हैं मुझे सारा पेपर आता था, मेरे पास थोड़ा टाइम और मिलता, तो वो नहीं मिलने वाला। तो आपको जितना आना है उतने टाइम के अंदर आना है। हमारे बच्चे कई बार प्रिपरेशन करते हुए जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करते हैं। आप सोचते हैं शायद सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे प्रैक्टिस में, जी बिल्कुल करना है, लेकिन घड़ी के साथ करना, एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन मैक्सिमम या 1 से 1.25 मिनट में करने की आप आदत डालें, तभी आपका
जेई के अंदर, सॉरी नीट के अंदर, एनटीए द्वारा निर्धारित नीट के अंदर आपके पास ये स्थिति बनती है। और अब हुआ क्या, एनटीए ने जो पीछे जेई के पेपर दे दिए, लगभग लगभग आइडिया आ गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एनटीए पूछने वाला है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिस्ट हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इस पर आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 180 में मार्क्स से चलूं या क्वेश्चन जैसे आप कहें, तो सबसे पहले मार्क्स से ही चलते हैं। 180 मार्क्स के अंदर लगभग 90 मार्क्स फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स 11th और 90 मार्क्स फिजिक्स 12th से आएंगे। दूसरा बाइफर्केशन यहां समझ लीजिए, यहां पर क्या होने वाला है, इजी मॉडरेट और टफ की बात करते हैं। तो इन दोनों में, इजी और मॉडरेट में, लगभग 40% पेपर आपका इसके अंदर से आने वाला है। तो लगभग 70 रफली मार्क्स का ये, 70 का ये होने वाला है। आपके पास 40 हमारे पास ये बनेगा, टफ इजी मॉडरेट। हमारा एम इसको पूरा अगर हमने कर लिया, देखो 120 मार्क्स हमें चाहिए, 140 तो यहीं पर पूरे हो गए। तो इसका मतलब मेरा एम होना चाहिए, मैं इस पर, हम गलती ये करते हैं बच्चे, मैंने आपको अभी कहा जिस एग्जाम को मुझे क्वालिफाई करना है उस एग्जाम के अंदर नंबर आना मेरा महत्वपूर्ण है या टफ क्वेश्चन करके नंबर आना, क्योंकि क्वेश्चन टफ है या सिंपल है, मार्क्स 4 ही है, गलत होने पर आंसर मतलब मार्क्स -1 है। तो बी प्रिपेयर्ड, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट मेरे कौन से टॉपिक्स स्ट्रांग हैं जिनके अंदर मैं उनको निश्चित रूप से ला सकता हूं, तो उस पर आप ध्यान दें और उन्हीं पर बेस अपने क्वेश्चन को करना है, राइट तो इसको आप हमेशा माइंड में रखिए। अब ट्वेल्थ की तैयारी के अंदर आपको क्या करना है, देखिए आपके पास दिन 35 है, जेई वालों से आपके पास दिन बहुत ज्यादा है, यू आर वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, पर लेकिन अगर आपने वही टाइम ठीक तरह यूज नहीं किया तो क्या फायदा, इसलिए अपने टाइम को ठीक यूटिलाइज करना सीखिए। हमारे पास 35 दिन है कैटेगोरिकली मेरे पास, मुझे आप फिजिक्स की 11th के लिए आराम से यू स्पेंड 20 डेज। फिजिक्स 11 में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ढूंढने हैं कौन से टॉपिक आपको टफ लगते हैं और कौन से इजी लगते हैं। जो इजी लगते हैं उनको आप सिर्फ रेफरेंस बनाइए, फॉर्मूले देखिए, सारे फॉर्मूले के ऊपर रिवाइज कर लीजिए, और मैं आपको वेबसाइट के ऊपर फॉर्मूले भी दे दूंगा उनको भी, और सीधा इनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करें। लेकिन यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 60 सेकेंड ऑन वन क्वेश्चन, तो आपको लगेगा इसमें से लगभग ये 40% होता है, तो लगभग इसका 40% आपके पास 36 नंबर का इसमें से आ जाता है, 36 नंबर का आपके पास, बिकॉज इसका 40% आपके पास 36 मार्क्स का आएगा। तो ये जो 36 मार्क्स यहां पर है और 36 मार्क्स इजी, और इसमें 12 नंबर मॉडरेट आ जाएंगे, आप आराम से ये मॉडरेट वाले होंगे। इनके क्वेश्चन समय लीजिए, अपने आप एक बार रिवाइज कीजिए और करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको लिस्ट अपनी वेबसाइट पे देता हूं, पर मेनली एम ये है इनको आप खुद ही रिवाइज करें, टफ वाले को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपके पास 20 दिन तो यहां के लिए दे दिए, और वो इसके लिए दे दिए क्योंकि हमारे पास टाइम 20 दिन का ज्यादा 11th में लगाना है, क्योंकि एक साल पूरा गुजर चुका है, हमने शॉपिंग को ज्यादा हाथ नहीं लगाया। तो सबसे पहले इस पर हाथ लगाइए, 20 डेज, 15 दिन मेरे पास बचे हैं, लेकिन साथ साथ मेरे इजी के टॉपिक आप साथ करते चले, और 20 दिन कंप्लीट होने के बाद आप आराम से टफ टॉपिक पर भी हाथ लगा सकते हैं। फिर वही बात, अगर आपको नीट के अंदर कोई, मान लीजिए कोई टॉपिक है आपको टफ लगता है, तो उसके क्वेश्चन देखिए पिछले सालों में कैसे आए हैं, यदि क्वेश्चन इसी इसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप उसको करने की जरूरत समझिए और जरूर कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है क्वेश्चन लेंथी हो रहे हैं, टफ हो रहे हैं, आपको नहीं करते, तो वो टॉपिक छोड़ दीजिए। मैं इसके लिए कह रहा हूं, आपका एम देखिए, मेरे पास ऑलरेडी 180 में से मुझे 120 मार्क्स लाने हैं, 60 नंबर माने 60 / 4, 15 क्वेश्चन छोड़ने का आपके पास लीवरेज है। जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं वो जरूर करिए, जो टफ लगते हैं उनको बाद में करिए, मॉडरेट को जरूर कीजिए। अब इजी क्या है, टफ क्या है, मॉडरेट क्या है, बहुत से बच्चों का सवाल होता है, मैं आपको मोटा मोटी आपको बता दूं। देखिए इजी, मॉडरेट और टफ को दो हिस्सों में तोड़िए, टॉपिक मॉडरेट टफ है इजी है या क्वेश्चन इजी मॉडरेट टफ है, मैं आपको एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। यूजुअली हमारे लिए बहुत टफ टॉपिक माना जाता है रोटेशनल डायनामिक्स, सर ये तो समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे कैसे, ये रोटेशन के ऊपर बहुत लोग परेशान होते हैं, लेकिन वहीं पर एक बात बड़ी सीधी है, रोटेशन के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सिंपल आते हैं,
नो डाउट रोटेशनल रिक्वायर विजुअलाइजेशन, स्पेशली जब रोलिंग आ जाता है बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन जो क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं रोटेशन के, तो रोटेशन को करूं या ना करूं। अच्छा, उसके अलावा शुरू से आ जाइए वर्क पावर एनर्जी तक के टॉपिक, वर्क पावर एनर्जी तक के टॉपिक को छोड़ने का कोई जुगाड़ नहीं आपके पास, क्योंकि ये सब जगह चलेंगे वो टॉपिक, तो यू कैन नॉट लीव दोस टॉपिक्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो उतना आपको करना ही करना है, राइट। इसको आप करिए, शुरुआत से आपने इस तरह की प्लानिंग करनी है, इसको आप यूज करें, इसके ऊपर कैसे चलना है, और मैं आपको यूट्यूब और वेबसाइट से कैसे बताऊंगा, इसके लिए शीघ्र ही मेरा एक दूसरा वीडियो जारी होगा जो पीपीटी फॉर्म में होगा, उससे आप समझिएगा, उसको कीजिए, और उसके बाद हम दूसरे वीडियो आपको देते रहेंगे, आप उसको यूज करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।